नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए शालिनी सोमानी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे काम करता है, ये सब जानने से पहले हम उसके खानदान के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडमार्क बहुत ही अच्छे खानदान से आता है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये खानदान दिखाई तो नहीं देता लेकिन इसकी प्रेजेंस पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपको इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी तरह से फील होती है। इस खानदान के तीन मुख्य सदस्य हैं जिनके नाम हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और ये सब ने अपनी अपनी कार्य प्रणाली कुछ इस तरह से बांट रखी है कि इनके नीचे का जो फैमिली ट्री है वो उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि कॉपीराइट देखरेख करता है आर्ट की। आर्ट इन द सेंस कोई बुक लिखी हो, कोई फिल्म हो, कोई गीत हो, इस टाइप के जो आर्ट आर्टिफैक्ट्स है, जो आर्ट वर्क है, उसकी देखरेख करी जाती है फ्रॉम कॉपीराइट। बात करते हैं कुछ इन्वेंशन की। तो अगर आप कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया आइडिया लेके आते हैं, समथिंग लाइक सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोडक्ट में अपडेशन, किसी प्रोसेस में अपडेशन, प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन, तो उस टाइप का जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्लासीफाई होता है पेटेंट में। तीसरी कैटेगरी है वो रिलेटेड है आपकी आइडेंटिटी से। जैसे कि आपके हाथों की फिंगरप्रिंट्स आपके लिए एकदम यूनिक है, इसी प्रकार हर बिजनेस की आइडेंटिटी उनके लिए एकदम यूनिक होती है जो उन्हें पूरी भीड़ से जुदा करती है। उस आइडेंटिटी का नाम है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कई प्रकार के होते हैं। हमारे इस पूरे कोर्स में, ट्रेडमार्क के कोर्स में, हम जानेंगे कि क्या ट्रेडमार्क किस किस टाइप के होते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए होते हैं, उसे किस तरह से रजिस्टर किया जाता है, और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होने पे हम उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आईपी प्रोटेक्शन। अब आईपी प्रोटेक्शन हमने जाना कि ये खानदान तो है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कब करें, कब ना करें, ये इस स्लाइड से क्लियर हो रहा है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपको एक आइडिया आया आपके बिजनेस का, आपने नया स्टार्टअप चालू किया, गवर्नमेंट के इतने इंसेंटिव्स हैं, इतना स्टार्टअप इकोसिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, इतना बेहतर कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। तो जब अगर आप स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो आप इनिशियली सोच रहे हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी ट्रेडमार्क लेने की क्या जरूरत है, सो अभी ये प्रायोरिटी पे नहीं है। तो जब आप वो आइडिया आइडिएशन स्टेज से लेके आगे प्रोडक्ट में लॉन्च करने जा रहे होते हैं, बीच में ही किसी कॉपीकैट ने आपका वो आइडिया देख लिया, और जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा $100 के दाम पे, तब तक वो कॉपीकैट महाशय उसे रेप्लिकेट करके $50 पे ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुके होंगे। तो अब इससे आपका दोगुना नुकसान हो गया। एक तो जो आपने आइडिया बनाया उस पे आपका कोई अधिकार नहीं रहा, दूसरा जो नया प्रोडक्ट बनाया उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होना था वो पूरा उधर डाइवर्ट हो गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप स्टार्टअप नहीं भी प्लान कर रहे हैं और आप एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में हो, अभी तक भी आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया हो, तो भी आप जाके, अभी भी जाके अपना ट्रेडमार्क ले सकते हैं। क्योंकि जब आप एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपके साथ जो आपकी आइडेंटिटी उस मार्क के साथ, वर्ड मार्क या लोगो, वो जो भी हो, ट्रेडमार्क क्योंकि कई टाइप्स के हो सकते हैं, सो उसके साथ जब आपकी आइडेंटिटी जुड़ती है तो वो जुड़ जाती है 10 साल के लिए, और फिर आगे से आगे वो रिन्यू होती रहती है। तो यहां हमने जाना कि एक तो ट्रेडमार्क नहीं होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडमार्क की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क का सब्जेक्ट है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री भी है। और हम जान लेते हैं कि हमारे कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है, इसकी हिस्ट्री, इसकी जरूरत क्या थी, पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क क्या, ये पर्पस सर्व करता है, इंडियन ट्रेडमार्क लॉ में ट्रेडमार्क के रिलेटेड क्या क्या लिखा गया है, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट, जब ट्रेडमार्क किसी ने आपका कॉपी कर लिया होने के बावजूद तब आपके पास क्या क्या राइट्स है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क लॉ, लॉ के पीछे के
इंटेंशंस जब उस समय किस किस हिसाब से वो बनाए गए थे, किस सिचुएशन में बनाए गए थे, तो ये इसका काम, इस पूरा लॉ कैसे काम करता है। टर्म ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया, जैसा कि मैंने बताया 10 साल। यूज ऑफ ट्रेडमार्क, उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पे, इनवॉइस पे वगैरह। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होने के क्या बेनिफिट्स है, पूरी कैटेगरीज में अलग अलग तरह के बेनिफिट्स है, जैसे कि SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि जिन स्मॉल एंटरप्राइजेस ने ट्रेडमार्क यूज किया उनके लिए उनका रेवेन्यू 68% ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज SMEs जिन्होंने IPR कभी यूज नहीं किया। फिर आप जानेंगे हाउ टू फिल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, गवर्नमेंट की वेबसाइट है और वहां पे हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि पूरी एक ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आप खुद कैसे कर सकते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि ट्रेडमार्क क्या है, क्या है एक्चुअली ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क एक लीगली जो ट्रेडमार्क एक्ट है इंडिया में, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, उसका सेक्शन 2 ZB, ये बताता है कि ट्रेडमार्क है क्या। ट्रेडमार्क कुड बी एनी वर्ड, सिंबल, डिजाइन, फ्रेज या इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के जो आपको एक डिफरेंट यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है। जैसे कि एप्पल के फोन देखते हैं, एप्पल के फोन में हमेशा एक एप्पल का सिंबल होता है और एप्पल थोड़ा सा कटा हुआ होता है, तो उन्होंने ये चूज किया उनकी आइडेंटिटी के लिए और आज वो पूरी दुनिया में इसी आइडेंटिटी से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क दो तरह के होते हैं, गुड्स के लिए है तो ट्रेडमार्क है, सर्विसेज के लिए है तो सर्विस मार्क है। और इन्हें ये आपकी आपकी पूरी सोर्स को आइडेंटिफाई करता है, मतलब आपके गुड्स मेक इन इंडिया, इंडिया से कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो भी वो आपका लोगो लेके जा रहे हैं। ये आपकी ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन देता है और कोई इसे कॉपी नहीं कर ले, इसीलिए पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं हम थोड़ा पुराने जमाने में, उस जमाने में जब फार्मिंग ही हुआ करती थी, यानी कि केवमैन ने जब फार्मिंग चालू करी थी उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे लोगों के पास अपने अपने एनिमल्स हुआ करते थे, जिसको उन्होंने एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एनिमल्स के ऊपर मार्क्स बनाने चालू किए। बस वहां से ही ये आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला चालू हुआ। फिर इसे आगे जाना गया पॉटर्स मार्क के रूप में, जहां रोम और ग्रीस में उनके वेसल्स के ऊपर ऐसे मार्क बनाए जाते थे ताकि उनके वेसल्स, बर्तन, जहां भी जाए उनकी पहचान ले जाए, इंडिया में भी आए तो भी पता चले कि ये वेसल्स रोम से बन के आए हुए हैं। फिर दौर आया इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स का, तो उन्होंने भी जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो क्रेविंग्स कार्विंग्स होती है पत्थरों से, तो उनमें भी ट्रेडमार्क्स का यूज होने लगा और इसी प्रकार के पत्थर के स्टैम्प्स बनने लगे जो आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी यूजफुल रहे। फिर ये सिलसिला और आगे चला, इसको ग्राफिकल डिजाइन्स में ले जाया गया और थ्रू आउट द वर्ल्ड इसे इसका प्रचार होने लगा। जैसे कि एक 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 चीज आप अभी भी देख रहे हैं, गोल्ड पे ISI मार्क अभी भी हम देख रहे हैं, वो भी उस समय ही चालू हुआ था। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि आप देखते हैं गोल्ड पे हॉलमार्क मिलता है, आपको 916 का मार्क मिलता है, दैट इज प्योरिटी। सो ये प्योरिटी का एक मार्क हो गया। फिर आया 14th-15th century, उस समय हमने देखा कि लोग ये सिंबल्स और लोगों को यूज करने लगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो बेसिकली तब ये अपने गुड्स एंड सर्विसेज में आने लग गया ताकि वो उनके गुड्स या सर्विसेज कोई और रेप्लीकेट ना कर सके। सो बेसिकली 14th-15th century से ये अपने मुख्य रूप में आने लगा और धीरे धीरे अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें वो इवॉल्व होने लगा। सो पहला जो ट्रेडमार्क का लॉ था वो था बेकर्स लॉ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, बेकर्स मार्किंग लॉ, जो इन 1266। सो ये बात फिर उसके बाद चालू हुआ 13th-16th century से, तब इसे और मॉडर्नाइज किया गया
और इसे ट्रेडर्स के नेम पे भी चालू करा गया, ताकि इससे पता चले कि उनका जो गुड्स है वो वही क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है जो कंपनी दावा करती है। आगे बढ़ते हैं। सो ट्रेडमार्क एक्ट इस तरह से अपने एग्जिस्टेंस में आया। सो फर्स्ट ट्रेडमार्क एक्ट जो 1857 में आया, उसका नाम था मैन्युफैक्चर एंड गुड्स मार्क। ये थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता रहा, क्योंकि पहले सिर्फ ट्रेडमार्क था और फिर धीरे धीरे हमें इसे इसमें हमने पेटेंट को भी लेके आना था। सो 1875 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें पेटेंट का भी दाखिला हो गया था। फिर 1 जनवरी 1876 प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स बिगिन। तब से ही मार्क्स का यूज लीगली होना चालू हुआ था, और इसके बाद रिटन सिग्नेचर और इन सब का भी प्रचलन चालू हुआ। जैसे कि ट्रेडमार्क में आप अपना सिग्नेचर भी यूज कर सकते हैं, आप कोई लोगो भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें 1875 से चालू हुई है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडमार्क नीड फॉर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क की जरूरत हमें कब महसूस हुई। सो ट्रेडमार्क हम जानते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन टूल है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में आप अपने ट्रेडमार्क से ही बता रहे हो कि आपकी सर्विस क्या है। जैसे कि एप्पल के फोन है, तो पूरी दुनिया में बस वो सिंबल देख के ही पता चल रहा है कि ये एप्पल का फोन है। अब उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपनी क्वालिटी का कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे BMW गाड़ियां है, सो वो एक प्रीमियम सेक्शन है। वो लोग मार्केटिंग नहीं करते कि हमारी गाड़ियां प्रीमियम है, बस उनका लोगो जो है वही इनाफ है बताने के लिए कि उनकी गाड़ी एक प्रीमियम क्लास में है और वो क्या क्या क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जो नॉर्मल गाड़ियों से तो काफी गुना ज्यादा अपडेटेड और प्रीमियम होते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है ट्रेडमार्क, आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कस्टमर्स आपकी ब्रांड के साथ, इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप जब आप चॉकलेट्स लेने जाएंगे, तब आप देखते हैं आपकी नजर पड़ती है किटकैट पे, आप जान पाते हैं कि ये नेस्ले कंपनी की चॉकलेट है, और आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कि ओके मुझे ये चॉकलेट लेनी है या फिर डेयरी मिल्क लेनी है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क आपको एक लीगल प्रोटेक्शन देता है, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। जब कोई आपका आप एक ट्रेडमार्क एक बार ले चुके हैं, और अगर आप जानते हैं कि किसी ने आपका ये मार्क यूज करने की कोशिश करी है या यूज कर चुके हैं और कुछ मुनाफा भी किया है, तो आप उन्हें सीधा कोर्ट में ले जा सकते हैं और उनसे जो भी हुई हानि आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी कि ट्रेडमार्क एक इनटेंजिबल एसेट है, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इनकी प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड फील होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ब्रांड है वही आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। जो MRP है, MRP में आपका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हो सकती है सिर्फ 20%, लेकिन आप जो चार्ज कर रहे हैं वो 80% मार्जिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेडमार्क से मिल रहा है। सो ये है ट्रेडमार्क का पावर, वो इतना पावरफुल एसेट है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क एक्सपायर नहीं होते। एक्सपायर नहीं होते मतलब इन्हें टाइम टू टाइम रिन्यू कर सकते हैं, और आपके ऊपर कोई ये दबाव नहीं डाल सकता कि बस आपने 10 साल इसको यूज कर लिया, अब आप इससे ज्यादा इसे यूज नहीं कर सकते। सो आप बस उसको रिन्यू करते रहिए, वो एक प्रोसीजरल पॉइंट है, बाकी ये एक्सपायर नहीं होते हैं। और ट्रेडमार्क आपकी हायरिंग भी बहुत ईजी कर देता है। जैसे कि टाटा ग्रुप का नाम है कि वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। सो जब भी टाटा की वैकेंसीज निकलती है, लोग उमड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं उनमें अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है। सो ये आपकी हायरिंग भी एक बहुत आसान कर देती है, क्योंकि आप जब जाने जा रहे हैं मार्केट में अपनी किसी खूबी से, तो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आपके मार्क से ही आने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आखिर क्या काम करता है। एक तो है, सबसे पहला, वो आपकी ब्रांड को बचाता है, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी से जोड़ के रखता है। दूसरा, इसकी 10 साल की वैलिडिटी है। तीसरा, टेंजिबल एसेट। चौथा, सब्सिडरी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही नॉर्मिनल है, बट इससे आप एक्सपांड काफी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क आप यूज करने के लिए भी दे सकते हैं। लाइक कई बार होता है
कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस अब आप फिनिश कर चुके हैं, लेकिन ट्रेडमार्क तो है आपके पास, तो आप अपना ट्रेडमार्क आगे दीजिए और उन्हें यूज करने दीजिए। सो इसे कहते हैं राइट टू यूज। तो जब आप राइट टू यूज पास कर रहे होते हैं आगे, तो आपको इसके लिए रॉयल्टी फीस मिलती है। तो रॉयल्टी फीस के सामने हमारी जो ट्रेडमार्क की कॉस्ट है वो बहुत छोटी सी कॉस्ट हो जाती है। सो इसका एक वो पर्पस रहता है रेवेन्यू पर्पस के हिसाब से, इस मतलब इसको मोनेटाइज भी किया जा सकता है। सेकेंड है फेयर कॉम्पिटिशन। जब आप मार्केट में आते हैं तो कोई मोनोपोली स्टार्टिंग से ही नहीं होती है, आपके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो उस कॉम्पिटिशन में उतर कर अपनी एक जगह बनाने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड, जब एक बार आप अपनी पहचान बना चुके होते हैं, जैसे कि जियो जब आया तब फ्री में आया था और उसने पूरा तहलका मचा दिया जब उन्होंने 4G इंट्रोड्यूस किया। और हाँ, आप देख सकते हैं कि वोडाफोन और आइडिया, उन दोनों को मर्ज होना पड़ा इस जियो के कंपटीशन के चक्कर में। सो उस केस में उनकी जो इंडिविजुअल ट्रेडमार्क्स थी, जो उनके इंडिविजुअल लोगोस थे, अभी आप वो देख भी नहीं रहे हैं मार्केट में। अभी आप देखते होंगे वी और उल्टा आई, वोडाफोन आइडिया का अभी नया ये सिंबल है। सो एक ये चीज है कि एक बार उन्होंने मार्केट में फ्री में लॉन्च कर दिया, उसके बाद उन्होंने प्राइस बढ़ाया, तो कस्टमर का ऑलरेडी उनके साथ एक बॉन्डिंग हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें जियो की सर्विसेज पसंद भी आ रही थी और प्लस वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे थी। सो एक बार आप कस्टमर के बीच में घुस जाओ और फिर आप अपनी इमेज या ट्रेडमार्क के जरिए आप अपनी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आइडेंटिटी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, वैसे वैसे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। And the last point is business growth easily reachable to customer. आप इसको बहुत आराम से स्केल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर स्क्रैप का बिजनेस है, तो स्क्रैप का बिजनेस आप अपने लोकल एरिया में कर सकते हैं, उसको आप ज्यादा स्केल नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर आपका उसके साथ एक आइडेंटिटी जुड़ जाती है, तो आप उसको पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर योर कंट्री उसको स्केल कर सकते हैं। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस ग्रोथ के लिए। आगे बढ़ते हैं इंडियन ट्रेडमार्क लॉ जो है, जिसके बारे में हम एक्चुअली पहले ही बात कर चुके हैं, जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में लागू हुआ इंडिया में, आज की तारीख में भी वही जाना जा रहा है और वही सारा पूरा मैकेनिज्म बताता है कि आप कैसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करोगे और कैसे उसका प्रोटेक्शन और कैसे उसे प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन मिलने वाला है आपके प्रोडक्ट्स को। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे। ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट की बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एडिडास एक जूतों की कंपनी है जिनका इस टाइप का लोगो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कई सारे लोगों ने फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी बनाने के चक्कर में इसका थोड़ा बहुत वर्जन मॉडिफाई कर दिया, एडिडॉल्स कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो मार्क सिमिलर है, मतलब जैसे कि आप ग्राफ की तीन लाइनें जो है एडिडास ओरिजिनल लोगो में, तीनों लाइन का झुकाव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और इसका जो डुप्लीकेट या थोड़ा मॉडिफाइड लोगो जो लेके आए हैं मार्केट में दूसरे लोग, उन्होंने उस झुकाव को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर दिया और स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया, एडिडास का एडिडॉल्स कर दिया और कलर मॉडिफिकेशन कर दिया। सो दैट क्या कि कस्टमर्स दूर से सिंबल को सेम समझकर हो सकता है उसे खरीद ले और इतना ध्यान ना दे कि ये एग्जैक्ट वही ओरिजिनल लोगो है। तो इस हिसाब से जब कोई ऐसा अपना लोगो थोड़ा बहुत चेंज करके उसे मार्केट में डालते हैं, तब आप अपने ट्रेडमार्क को लेके उनके ऊपर इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वॉयलेशन किया है एक राइट को जो एक्सक्लूसिव आपके पास थी, क्योंकि जब आप अपना मार्क रजिस्टर कर चुके हैं तो उसे यूज करने का पूरा पूरा हक आपको ही है, आप ही उसे यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट पे, कोई और नहीं कर सकता। तो इसमें थोड़ी छेड़छाड़ करके भी कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई और करता है तो ये एक गुनाह है जिसकी सजा कम से कम 6 महीने की है होती है, जिसकी सजा कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल तक सलाखों के पीछे आपको डाल दिया जा सकता है, प्लस
2 लाख रुपीज का जुर्माना भरना होता है। इसके अलावा कोई एडिशनल कंपेंसेशन जो ओरिजिनल ट्रेडमार्क होल्डर है वो क्लेम करना चाहे तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ये जब इन्होंने मार्केट में कदम रखा थोड़ी छेड़छाड़ करके, तो इन्हें भी कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ा और इन्हें 6 महीने से कम की सजा हुई और कुछ 50,000 का जुर्माना देना रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्टारबक कॉफी वर्सेस सदारबक्श कॉफी। अब ये नाम सुनने में और दिखने में वैसे तो थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे कि स्टारबक्स आप जानते हैं सिर्फ एक आध कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ये बहुत फेमस कॉफी चेन है। जैसे सीसीडी इंडिया में है, वैसे स्टारबक एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉफी चेन है जो बहुत फेमस है। और यहाँ पे कॉफी अपने ट्रेडमार्क उनका जो नाम है वही काफी है यहाँ पे कस्टमर्स को लाने के लिए। सो स्टारबक्स को देख के सरदारबक्श कॉफी का इन्वेंशन किया उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया ये सोच के कि इसे इंडिया में इस नाम से बेचा जाए, इस नाम से चला जाए। सो दे यूज सरदार, स्टार के जगह पे उन्होंने यूज किया सरदार और थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर दी ओरिजिनल मार्क से। सो इन्हें भी कोर्ट का सामना करना पड़ा और इन्हें भी सजा हुई है। इन्हें सजा में कहा गया कि ये आगे से इस मार्क को नहीं यूज करेंगे और अभी तक जितना भी हुआ है इनका प्रॉफिट उन्हें वो भी स्टारबक्स को लौटाना रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेआर कपूर वर्सेस माइक्रोनिक्स इंडिया के बारे में। सो इनके केस में माइक्रोनिक्स इंडिया एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर्स थे। प्रोप्राइटर्स मतलब यहाँ पे इनकी कोई कंपनी नहीं थी, बट ये माइक्रोनिक्स ट्रेडमार्क लोगो यूज कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए, जिसमें वो हमने देखे काफी सारे एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन टर्म ऑफ ट्रेडमार्क की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेडमार्क 10 साल के लिए वैलिड है और 6 महीने लास्ट के 6 मंथ्स जब ट्रेडमार्क आपका एक्सपायर होने जा रहा होता है तब गवर्नमेंट की साइड से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है सामने से कि आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर होने वाला है, तो इसे टाइम पर रिन्यू करा लीजिए। ट्रेडमार्क अगर आप रिन्यू नहीं कराते तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, तुरंत का तुरंत गवर्नमेंट ये किसी और को नहीं देती। गवर्नमेंट आपको टाइम देती है 1 साल का, विद इन 1 ईयर आप थोड़ी एडिशनल फीस दे के अपना ट्रेडमार्क वापस रिक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी कारण आप उन 6 महीनों में आप नहीं रिन्यू कर पाए, तो कोई बात नहीं, 1 साल और है, आप अपने ट्रेडमार्क पे वापस अपना अधिकार जमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ ट्रेडमार्क पे। सो ट्रेडमार्क हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम ट्रेडमार्क यूज करते हैं जहां जहां भी हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। लाइक जैसे कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, तो अमेजोन में अगर आपका यूनिक ट्रेडमार्क है सो आपको उसकी स्पेशल कैटेगरी में दिया, आपको स्पेशल कैटेगरी दी जाती है एज अ वेंडर रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट का कोई ट्रेडमार्क नहीं है सो आपका प्रोडक्ट एक जनरलाइज कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास यूनिक आइडेंटिटी है तो आप अपने ट्रेडमार्क को वहां रजिस्टर कर सकते हैं। तो और अमेजोन खुद मेक श्योर करता है कि इसी टाइप का लोगो या वर्डमार्क अगर कोई और कहीं से भी डाल रहा है तो उन्हें वो हटा दिया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि वो जो जनरलाइज्ड लिस्ट है जहां पे किसी के पास लोगो नहीं है, अगर उस एरिया में भी किसी ने यही लोगो वाला यूज किया तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उन्हें मना कर देगा कि आप Amazon पे ये इस ट्रेडमार्क से मिलता जुलता ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर कर सकते। सो ये है पावर ट्रेडमार्क की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन की। सो ट्रेडमार्क जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडमार्क लीगल प्रोटेक्शन देता है, बट ये कैसे देता है? लाइक कुछ तो इसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सो देर आर 45 कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस जिसमें सारे गुड्स और सर्विसेज कैटेगराइज होते हैं। जैसे कि आप पकड़ लीजिए चॉकलेट्स का एक सेक्शन है, रेडीमेड गारमेंट्स का एक सेक्शन है। रेडीमेड गारमेंट्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको एप्लीकेबल है क्लास 25।
इसी तरह से आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसकी एक स्टैंडर्ड लिस्ट है और वहां पे आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी क्लास में फॉल हो रहे हैं, क्योंकि वो क्लास में अप्लाई करने से पहले जरूरी है ये चेक करना है कि आपके लिए वो क्लास में जगह है भी या नहीं। क्योंकि मान लीजिए आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं कपड़े क्लास 25 में, लेकिन क्लास 25 में ऑलरेडी आपके लोगो जैसा या आप जो नेम चाह रहे हैं उनका ऑलरेडी नेम है, रेमंड का नेम है वहां पे, तो फिर आप रेमंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और ट्रेडमार्क जो है आप अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद आप TM यूज कर सकते हैं, TM इन सर्कल। ये ट्रेडमार्क का सिंबल जो है, ये ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का सिंबल नहीं है, TM means आप अप्लाई कर चुके हैं, ये सिंबल कन्वर्ट होगा R और सर्कल में। इसका मतलब आपको जिस दिन ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा इन द सेंस मेल से डिलीवर होते हैं आजकल ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, फिजिकली नहीं आते हैं, तो जिस दिन वो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके ईमेल इनबॉक्स में आएगा उस दिन से आप अपना लोगो में R लगा सकते हैं, और उस दिन से ट्रेडमार्क एक्ट जो आपको पूरा प्रोटेक्शन देता है वो आपका चालू हो सकता है और आप इंफ्रिंजमेंट वाली राइट्स यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कई बार ट्रेडमार्क जब आप अप्लाई करते हैं तब आपको ट्रेडमार्क से ऐसा ऑब्लिगेशन, आपको ट्रेडमार्क से ऐसा ऑब्जेक्शन मिल सकता है कि वो बोलेंगे कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो कुछ अलग नहीं है, कुछ इसमें जो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही नहीं है। जैसे कि बहुत जनरलाइज्ड नेम आप नहीं रख सकते, अगर आप डील कर रहे हैं चश्मों में गॉगल्स में स्पेक्स में, तो आप स्पेक्टेकुलर या इस टाइप का नेम नहीं रख सकते जो आपका खुद का आपका खुद का बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है या बिजनेस आइटम क्या है, सर्विस क्या है, उसको ही बता रहा हो, तो इस टाइप के ट्रेडमार्क्स जनरली जनरलाइज्ड बोल के नहीं मिलते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ट्रेडमार्क को थोड़ा एकदम डिफरेंशिएटिंग नेम दे, थोड़ा एक यूनिक नेम दे, सो दैट क्या है किसी एग्जिस्टिंग के साथ एक तो वो क्लैश नहीं होना चाहिए और एक यूनिक आइडेंटिटी उसके साथ जुड़ जानी चाहिए, so that customers भी आपको identify कर सके। बात करते हैं इसी से related एक case study है हमारे पास जो है Fevicol versus Trevicol की। जैसा कि आप जानते हैं Fevicol अपने market में एकदम rule करता है, किसी भी stationery में आप जाएंगे तो Fevicol का जो symbol है आप देख पा रहे हैं screen पर, Fevicol तो वहाँ होगा ही होगा, जब भी आप पूछेंगे glue के बारे में कोई और हो ना हो but वो तो होगा ही। तो ये जो suffix है इसका Vicol, ये भी यूज करने का इसका स्पेशल राइट आ जाता है, क्योंकि किसी ने छेड़छाड़ करके Trevicol नाम का ट्रेडमार्क अप्लाई किया और उससे इस चीजों को, उससे ग्लू के प्रोडक्ट्स को बेचना चालू किया। सो Fevicol का अगर आप वर्ड देखें उसमें से ये दो चीजें देखें, सो एक Fevicol का जो आप देख रहे हैं वो पूरा सिर्फ नेम नहीं है, वहां पे आप दिखा रहे हैं कि दो एलिफेंट्स है, देर आर टू एलिफेंट्स जिनको Fevicol के जोड़ से बांध दिया गया। सो नाउ एलिफेंट्स आर सो पावरफुल, दे आर सो एनर्जेटिक एंड दे आर जस्ट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब पावर उनसे ज्यादा किसमें होती है। सो एलिफेंट्स को भी जोड़ के रख रहा है Fevicol का बॉन्ड, ऐसा उनका सिंबल है। सो इस सिंबल में थोड़ा छेड़छाड़ करके वो जो Vicol है, Vicol को यूज करके Trevicol जो नेम बना दिया, तो इट वॉज, ये एक डिसेप्शन है इन द सेंस छेड़छाड़ है जो सही नहीं है। सो उस वजह से Trevicol के ऊपर Fevicol ने केस कर दिया था, क्योंकि कुछ डिफ्रेंसिएशन चाहिए था, उनका प्रोडक्ट सेम था प्लस जो सफिक्स था Vicol सेम वही यूज हो रहा था। सो इसको वो कोर्ट में जस्टिफाई करने में कामयाब हो गए कि ये हमारे ही प्रोडक्ट को से मिलता जुलता नाम रखा गया है, हमारे कस्टमर्स को ले जाने की कोशिश है इस तरह से छल कपट करके,
उनके ऊपर भी कार्यवाही चली और उन्हें भी अपना बंद करना पड़ा। नेक्स्ट है ब्रांड रिकग्निशन। ब्रांड रिकग्निशन के बारे में जब हम बात करते हैं, सो कस्टमर कैसे अपने आप को उनके साथ एसोसिएट कर पाते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसी होती है जो आपको एक फीलिंग देती है, आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं आराम से। जैसे कि बात कर लेते हैं, बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ एसेट। जब हम ये इसे ऐसे एक ट्रेडमार्क को अपने बुक्स में दिखाते हैं, सो हम उसे हर एक तरह से दिखाते हैं, मतलब हम उसकी अकाउंटिंग भी करेंगे, उसके उसको इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से उसे एक इनटेंजिबल एसेट दिखाएंगे। सो उसके रिलेटेड जैसे हमारे पास राइट्स आती है, सो हम उसे अपने बुक्स में भी शो करते हैं। सो ये ट्रेडमार्क्स जो है वो अपनी वैल्यू एक बुक्स में भी लेके चलते हैं, और जब मार्केट में प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पे भी वैल्यू लेके चलते हैं। सो जब ये एक एसेट बन जाता है तो ये आपको पूरी पूरी राइट देता है पूरी पूरी कंट्रीज के ऊपर। जैसे कि हम एक केस लॉ लेते हैं कोका कोला और बिस्लरी का। सो माजा नाम की जो फ्रूट ड्रिंक मैंगो फ्रूट जूस है, इसकी ये बिस्लरी का प्रोडक्ट है जिसकी राइट्स उन्होंने इंडिया में कोका कोला को दी थी कि वो माजा नेम से मैंगो जूस इंडिया में सेल करने की राइट्स दी गई थी उन्हें। लेकिन कोका कोला ने 2008 में माजा नेम से टर्की में भी ये फ्रूट ड्रिंक को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी राइट्स उन्हें बिस्लरी से नहीं मिली थी, जिस कारण बिस्लरी ने उन्हें कोर्ट में घसीटा इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स के लिए, और कोका कोला को माजा नेम जिसकी राइट्स उन्हें सिर्फ इंडिया में यूज करनी थी और जो वो टर्की में यूज कर चुके थे उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि ये इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क था। फिर हम बात करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन एंड गुडविल की। सो ट्रेडमार्क जो है धीरे धीरे एक गुडविल बनाता है आपके बिजनेस की। सो आइडेंटिटी तो बना ही रहा है, गुडविल भी बना रहा होता है। सो जब आप जैसे कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से सचिन बंसल जब निकले थे तब उनकी काफी गुडविल फ्लिपकार्ट कंपनी से ही बन गई थी। सो उन्हें उनका कोई विचार नहीं था फ्लिपकार्ट छोड़ने का, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपनी ब्रांड इमेज तो बनाई थी, साथ में गुडविल भी बहुत अच्छी खासी बनाई थी। सो फ्लिपकार्ट कंपनी को जब खरीदा गया तो उसकी गुडविल की भी खासी अमाउंट चुकाई गई, क्योंकि इसने क्योंकि जो ये जो गुडविल है, ये गुडविल बिजनेस का वैल्यूएशन भी बढ़ाता है। सो ट्रेडमार्क का एक क्वालिटी कंट्रीब्यूशन तो होता ही है, साथ में बिजनेस के टुवर्ड्स वैल्यूएशन और गुडविल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो अदा करता है।